अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में 3 मुसलमानों को शहीद किया गया है। उसके बाद इन शहीद होने वालों के घर वालों की कुछ सियासी और समाजी लोगों ने इमदाद की है। उनमें कुछ इमदाद ऐसी रही हैं जो मिसाली इमदाद, जैसे हज़रत मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातहुम ने जो इमदाद की है वो एक मिसाली इमदाद है। वहीं पर दूसरी तरफ AIMIM पार्टी की जानिब से जो इमदाद की गई है वो भी एक मिसाली इमदाद है। नाज़रीन, खबर आ रही है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में मारे गए सैयद सैफुद्दीन के 3 बच्चों को AIMIM पार्टी की जानिब से 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मरहूम सैयद सैफुद्दीन की बीवी अंजुम शाहीन को तेलंगाना राज्य सरकार की जानिब से जियागुड़ा में 2 BHK फ्लैट, हर महीना आसरा विधवा पेंशन के कुली कुतुब शाह शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय हैदराबाद में सरकारी नौकरी दी गई है और 3 औलादों को 2-2 लाख रुपये भी। काश तेलंगाना जैसा मजबूत लीडर हर राज्य में होता तो हर मजलूम को इंसाफ मिलता। नाज़रीन, इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।